जय हिंद दोस्तों, ए टू बी टू स्टडी की यूट्यूब चैनल पर मैं रंजीत केसरी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2023 की टी फार्मा ग्रुप ई के छात्रों की काउंसलिंग की प्रक्रिया कब से स्टार्ट होगी, इसको लेकर के छात्रों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं। सर हमें बता दीजिए कि डी फार्मा की जो काउंसलिंग होगी वो कब से होगी, काउंसलिंग होगी भी या फिर नहीं होगी। तो इसको लेकर के ऑलरेडी हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि काउंसलिंग जो है वो कब से आपकी स्टार्ट हो रही है। चलिए हम आपको नोटिस दिखा देते हैं। दोस्तों जैसा कि आप मोबाइल स्क्रीन पर ये नोटिस देख रहे होंगे, हालांकि पिछली वीडियो में ही हमने आपको ये नोटिस में अच्छे से समझाया था हर एक चीज़ को, लेकिन एक बार आपको फिर से बता दें। देखिए यहाँ पर आपको साफ तौर पे दिख जाएगा, आपको हम पूरी नोटिस पढ़ करके नहीं समझाने वाले हैं, आपका भी समय बर्बाद होगा और हमारा भी। यहाँ पर हम आपको साफ तौर पर बता दिए कि देखिए उपरोक्त निर्धारित तिथि 2 सितंबर 2023 तक, 2023 में 2 सितंबर तक यानी कल तक ही आवेदन मांगा गया था। किससे मांगा गया था? पूरे यूपी में जितने भी डी फार्मेसी के कॉलेज हैं जिन्हों को की मान्यता चाहिए, जिनको की संबद्धता चाहिए 2023 में कि छात्र उस कॉलेज में एडमिशन ले सके, इसको लेकर के 2 सितंबर तक सभी कॉलेज से, जितने भी कॉलेज हैं ना, उन कॉलेज से आपत्ति मांगी गई थी। उनसे ये मांगा गया था आवेदन कि आप बताइए कि आपको हम जो मान्यता है वो क्यों दें। तो इसको लेकर के सभी छात्रों ने यूराइज पोर्टल पर अपने अपने कॉलेज को, जितने भी कॉलेज थे उन्होंने यूराइज पोर्टल पर अपना अपना आवेदन दिया था। ये डेट जो थी वो 2 सितंबर तक थी, 2 सितंबर तक आपको किसी भी हालत में आवेदन देना था, इसके बाद ये डेट एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये तो आ गई साफ साफ बात कि 2 सितंबर तक कॉलेज को आवेदन देना है मान्यता के लिए, क्योंकि डी फार्मेसी में करीब आपके जो हैं बहुत अधिक मात्राएं बढ़ने वाली हैं और करीब 200 कॉलेज को, नए कॉलेज को मान्यता मिलने वाला है। अब यहाँ पर 2 सितंबर तक इनको कॉलेज की मान्यता के लिए आवेदन मांगा गया है। इसके अलावा 4 सितंबर यानी 2 सितंबर तक मान्यता और आने वाले 4 सितंबर तक इनको कॉलेज को अप्रूवल देना है या फिर नहीं देना है, कॉलेज को मान्यता देना है या फिर नहीं देना है। तो इसको लेकर के आपके 4 सितंबर तक संस्था ने आवेदन मांगा है कि ये कंफर्म किया जाए कि इनको मान्यता दिया भी जाए या फिर नहीं दिया जाए। तो देखिए यहाँ पे 4 सितंबर 2023 तक जो है वो कार्यालय में जो अनिवार्य रूप से जमा करना है शपथ पत्र, यानी वो कॉलेज बताएंगे कि हाँ हम एलिजिबल हैं, हमारे पास ये फैसिलिटीज हैं, हमारे पास टीचर्स हैं, हमारे कॉलेज में सब कुछ व्यवस्था है कि हम फार्मेसी का जो पाठ्यक्रम है वो प्रॉपरली चला सकते हैं। तो इसके लेकर लिए इसी को लेकर के यहाँ पर 4 सितंबर तक संस्था में आवेदन दिया जाएगा और 2 सितंबर तक कॉलेज आवेदन देंगे और 4 तक ये कार्यालय में आपका आवेदन जो है वो सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के बाद ये तय हो पाएगा कि किस कॉलेज को मान्यता मिलने वाला है, किसको नहीं मिलने वाला है। तो आपको हम साफ तौर पर बता दें कि आने वाले 4 सितंबर तक आपको वेट करना है। हाँ, आने वाले 5 सितंबर को आपको लेटेस्ट अपडेट जो है हम आपको तुरंत इसी चैनल पर देंगे। पहली बार वीडियो देख रहे हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इसी चैनल पर और इसके अलावा डी फार्मेसी का आपको यूट्यूब पर कहीं पर भी कोई अपडेट देखने को नहीं मिल रहा होगा, तो आपके लिए हम प्रॉपरली लगे हुए हैं और लगे ही रहेंगे। 5 सितंबर को, क्योंकि 4 तक तो अभी आपके सत्यापन का कार्य किया जा रहा है कॉलेज का, आने वाले 5 सितंबर को आपको लेटेस्ट अपडेट जो भी आता है आपको सबसे पहले हम देने का प्रयास करेंगे। तब तक आप लोग बिल्कुल परेशान न होइए, बहुत छात्रों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर कब होगा, इसको लेकर के ही हमने ये वीडियो आपको बनाया है।